हे अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि आज संडे था और रात को जो सीज़न देखते देखते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मैं बहुत लेट सोई, सुबह उठी तो बहन को हो रही थी मीठे की क्रेविंग, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ मीठा बना लिया जाए, लेकिन कुछ ऐसा मीठा होना चाहिए जो देसी भी हो। तो जी, हम बनाने वाले हैं आज गुड़ वाले चावल, जो आई होप आप सब लोगों को बहुत मज़े के लगने वाले हैं। वीडियो को मज़ीद देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर आप 1 kg चावल ले रहे हैं तो उसमें आप 1/2 kg गुड़ डालेंगे। मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं तो उसके लिए इतना गुड़ ही काफ़ी है। गुड़ को पानी में डाल के हमने बॉयल होने के लिए रख देना है चाशनी बनाने के लिए। जैसे ये बॉयल होना शुरू हो जाए और सारे के सारा गुड़ मेल्ट हो जाए तो इसका मतलब है चाशनी बन के रेडी है। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेन ज़रूर कर लेना है। तो स्ट्रेन करके हम इसको साइड पे रख देते हैं और फर्दर प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ हमने चावलों को बॉईल करने के लिए रख देना है, और याद रहे ये बात कि चावलों को फुल पकाना नहीं है, उसको थोड़ा सा हमने लाइट सा कच्चा छोड़ देना है। अब ये है जी सारे इंग्रेडिएंट्स। इसमें मैंने बादाम ले लिए हैं, सौंफ ले लिए, छोटी इलायची आप डालना चाहते हैं वो डाल लें, और जो हमने गुड़ की चाशनी बनाई थी ऑयल है और चावल हैं बॉयल हुए हुए। इसके बाद हमने लो फ्लेम के ऊपर ऑयल को गर्म कर लेना है, और गर्म करने के बाद हमने इसमें सौंफ और इलायची को ऐड कर लेना है, लेकिन लो फ्लेम पे ही ये काम करना है, वरना हमारी सौंफ और छोटी इलायची जो वो जल जाएगी और उसका फिर सड़ा सा जो वो टेस्ट जो है वो चावलों में आना शुरू हो जाएगा। तो हमने जो है इसको लो फ्लेम पर ही पकने देना है, थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कर लेना है। थोड़ी देर पकाने के बाद इसके अंदर जाएगी चाशनी, और चाशनी जब बॉईल होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर हम बॉईल किए हुए चावल जो है वो डालेंगे। जब सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको दम लगा के 2 से 3 सेकंड के लिए रख देंगे, और ये हैं जी खूबसूरत से चावल तैयार। तो ये था निहायत आसान सा तरीका गुड़ वाले चावल तैयार करने का। इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा और घर वालों को भी खिलाइएगा, और मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कैसे बने आपके चावल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।